सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल, दिस इज एमपी ब्रांड एरियाज। वेल गाइस, इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं हाउ टू मेक योर साइकिल व्लॉगिंग सेटअप। सो गाइस, व्लॉगिंग सेटअप को बनाने के लिए हम यूज करने वाले हैं हमारा जो ब्रांड न्यू GoPro Hero 9, जो भी हमने रिसेंटली परचेस किया है। तो और अगर आपने इसका अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लेना, हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ में गाइस, हम जो माउंट्स मिलते हैं यानी कि बॉक्स के अंदर ही मिल जाते हैं हमें, ये 3mm की टेप वाला माउंट और एक ये वाला माउंट जिस पर हमारा GoPro माउंट होगा, और साथ ही में ये जो स्क्रू मिल जाता है, तो इन्हें हम यूज़ करने वाले हैं। और इनके साथ गाइस हम यूज़ करने वाले हैं हमारा बिटवीन का हेलमेट, जो कि हमने परचेस किया था आरडी कैसनॉल से, देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है बिटवीन, तो हम इसे यूज़ करने वाले हैं। अगर आपने इस हेलमेट का अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप जरूर से जाकर के देख लेना कि क्या इसके स्पेसिफिकेशन से कहाँ से इसे परचेज करना है। सो गाइस, कैमरा को हेलमेट में माउंट करने के लिए सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं ये वाला जो हमें माउंट मिलता है, टेप वाला हमें बॉक्स के अंदर, तो इसको हम यहाँ पर से कुछ इस तरीके से लगा देंगे बिल्कुल सेंटर में एकदम ध्यान से। तो मैं इसे फटाफट से लगा देता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर से लगा देंगे, और गाइस इसके साथ अगर ये अच्छे से माउंट नहीं होगा टेप की वजह से, तो हम इसमें एम सील भी यूज़ करेंगे ताकि अच्छे से माउंट हो जाए, क्योंकि हम कैमरा के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते गाइस। तो फटाफट से इसे यहाँ पर माउंट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, हमने इसका जो फ्रंट वाला माउंट है इसको हमने अच्छे से लगा दिया है, और फिलहाल तो हमने एम सील नहीं लगाई है, अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में लगा देंगे। और ये अच्छे से माउंट हो चुका है जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर अच्छे से टाइटली। सो गाइस, अभी जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने इस वाले जो माउंट को यहाँ पर अच्छे से चिपका दिया है, और फिलहाल तो हमने एम सील नहीं लगाई है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लगा देंगे। तो अब हम इसमें फटाफट से हमारा जो GoPro है उसको माउंट करते हैं, और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से माउंट होना है। सो गाइस, अब हम हमारा जो ये GoPro है इसके नीचे जो ये वाला माउंट है इसको लगा देंगे। तो फटाफट से इसको यहाँ पर लगाते हैं पहले, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर से ऐसे लग कर जो इसका बोल्ट है इसको यहाँ पर से टाइट कर देंगे। इसको गाइस एडजस्ट करना पड़ेगा हमारे व्यू के अकॉर्डिंग, तो इसे हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल को ये हमारा यहाँ पर लग चुका है, तो अब हम इसे हेलमेट के अंदर लगाते हैं फटाफट से। सो गाइस, हेलमेट में लगाने के लिए हम सबसे पहले इसके माउंट के अंदर जो ये रबड़ है इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, और हेलमेट को लेकर के कुछ यहाँ पर से इस तरीके से अंदर की तरफ स्लाइड कर देंगे इसको, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से इसके अंदर चला जाएगा। तो ये जा चुका है, और ये रबड़ को वापस से अंदर की तरफ हम प्रेस कर देंगे, तो ये हमारा लग चुका है। और GoPro को थोड़ा सा हम सीधा कर देंगे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर से कुछ ऐसे। तो फिलहाल का हमारा जो सेटअप है ये हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर SD कार्ड को इंसर्ट करेंगे। तो गाइस, हम जो SD कार्ड यूज़ कर रहे हैं वो है गाइस SanDisk का एक्सट्रीम SD कार्ड 128GB वाला। तो फटाफट से इसको इंसर्ट करते हैं उसके अंदर, और मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके की इसमें फुटेज आ रही है, और मैं सीधा आपको मिलता हूँ साइकिल के ऊपर। सो गाइस, फिलहाल को मैं आ चुका हूँ अपनी साइकिल के ऊपर, और ये अभी जो फुटेज शूट हो रहा है गाइस, ये हो रहा है 4K 60 FPS पर, और मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गाइस। ये ऑडिटोरियम है हमारा, UIT ऑडिटोरियम जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो कैसा क्या व्यू आ रहा है आप मुझे बता देना। और ये जो ऑडियो क्वालिटी है गाइस, ये इंटरनल माइक से हो रहा है, अभी कोई इसमें एक्सटर्नल माइक ज्वाइन नहीं किया गया गाइस। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਦੀ ਉਹ ਪਤ ਲੈ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਚੱਲਦੀ ਓ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਡੋਗਰ ਦਲੇਰ ਨੱਟੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਡੋਗਰ ਦਲੇਰ ਨੱਟੀ ਐ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਇਤਨਾ ਹੀ ਤੋ ਮਿਲਤੇ ਹਾਂ ਆਪਕੋ ਇੱਕ ਔਰ ਅੱਛੇ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਸਾਥ।